The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, ye aap hi ka channel hai, 100% scientific factual information is pe milegi aapko. और इसे ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आज हम बात करेंगे और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सेगमेंट की। इसमें हम दुनिया भर में मौजूद जो हर्ब्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या चीज़ें जिनको कई सारे बेनिफिट्स के लिए आपको बेचा जाता है कि कोई वेट लॉस के लिए, कोई अच्छी स्किन के लिए, कोई बालों के लिए, कोई इसके लिए आप ये खा लो, ये लगा लो, उन सब के साइंटिफिक फैक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे कि उन सब पे की गई रिसर्च पर, मेडिकल रिसर्च पर जब एक्चुअली में देखा गया क्या उनसे वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो उनमें किसी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, और कितना खाना सेफ है, कैसे करना सेफ है। सो ऐसे ही आज पहले हम बात कर रहे हैं अकाई बेरीज के बारे में। जी हाँ, ये अकाई बेरीज, अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, और अकाई पाम ट्री की बेरीज होती हैं, छोटी छोटी गोल गोल बेरीज होती हैं, जो इसे अकाई अकाई बेरी इसे भी कहा जाता है। अब ये उस एरिया में रेगुलरली खाए जाने वाला फ्रूट है, इट्स अ फ्रूट। और वहाँ पर क्या है, इसके ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले भी, कुछ समय पहले ये वेट लॉस के लिए और एंटी एजिंग पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा था कि इसको खाओगे तो वेट लॉस होगा, और इसके पल्प, इसके एक्सट्रैक्ट, इसकी गोली, इसके वेट लॉस के प्रोडक्ट्स में अकाई बेरी के एक्सट्रैक्ट, और ये डालो वो डालो, ये डालो वो डालो, जबकि ऐसे क्लेम्स के लिए नॉर्मली कोई अथॉरिटी नहीं देखती, कोई एक्शन नहीं होता, जो मर्जी कुछ भी बोलते रहें लोग। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक्शन भी लिया था उन कंपनीज के नाम पे जो इलॉजिकल विदा किसी डिसेप्टिव वे से मार्केटिंग कर रहे थे वेट लॉस प्रोडक्ट के लिए। सो पॉइंट क्या है, क्या इससे वेट लॉस होता है, क्या इसके कोई बेनिफिट है, कौन से बेनिफिट है, और होता है तो कितना होता है। ऑब्वियसली अननेचुरली कोई जादुई चीज़ बताना हमेशा गलत होता है, और हर प्रकार का फ्रूट जो है, किसी प्रकार का फ्रूट हो, आपके लिए अच्छा होता है, अगर वो नेचुरल फ्रूट है, खाने वाला फ्रूट है, आपके एरिया में पैदा होने वाला फ्रूट है। भगवान ने आपके अर्थ को वो ताकत दी है कि वो आपके एरिया में, आपके रीजनल एरिया में, आपके नेसेसिटी के हिसाब से फ्रूट बनाए। सो आपके एरिया में ग्रो होने वाले फ्रूट ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये जो अकाई बेरी है, इसके ऊपर वैसे तो बहुत ही कम रिसर्च हुए हैं, लेकिन रिसर्च हुए हैं, मेडिकल रिसर्च जो है, जितने भी इस पे रिसर्च हुए हैं, इनमें रिसर्च किया गया, और देर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस व्हाटसोएवर। मेडिकल रिसर्च ये मानती है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है वेट लॉस पे। इसके ऊपर रैट्स के ऊपर जब बात हुई थी, अकाई बेरी जिनको खिलाया, जिनको नहीं खिलाया, उनके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है वेट लॉस का। और याद रखिए, जो रैट्स में फ़र्क पड़ता है, वैसा ही फ़र्क मोस्टली ह्यूमंस में भी पड़ता है। सो इन स्टडीज़ में कोई वेट लॉस का इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, और अगर हम देखें तो ज़रूर इसमें बेनिफिट्स हैं। अब इसके बारे में बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। देखिए, अकाई बेरी जो है, इनके रिसर्च में बेनिफिट देखा गया है, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये कम करता है। पहले तो समझिए, न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर आपको अच्छे खासे, मान लीजिए अगर हम 100 ग्राम अकाई बेरीज लेते हैं तो करीब 70 कैलोरीज होती है, 5 ग्राम फैट होता है, 4 ग्राम कार्ब्स होते हैं, 2 ग्राम शुगर भी होता है, फाइबर भी होता है, विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है इसके अंदर, और इसके जो कंटेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो इसकी हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे हम जानते हैं हर फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हैं, और बेरीज जो होती हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी,
ग्रेन बेरी, इनके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। और इस पर्टिकुलर बेरी में उनसे देखा, कुछ रिसर्चेस बताते हैं कि ये उनसे ज़्यादा कुछ अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी एक अच्छी है, ये बात नोट करने वाली है। और ये होती है बिकॉज ऑफ एंथ्रोसाइनिन नाम के पदार्थ जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पर्टिकुलर फ्रूट में मौजूद होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, और ये मतलब इतना है कि जितना ब्लूबेरी से 3 गुना ज़्यादा है इसमें। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव कर सकता है। बहरहाल किसी भी प्रकार का फ्रूट आप खाएंगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करेगा। हैविंग फाइबर, हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट। मगर इसमें स्टडी में अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें भी आपका LDL कोलेस्ट्रॉल कम होते हुए दिखाई देगा। दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि इसके अलावा किसी से नहीं कम होगा, हर फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसको खाना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी देखी गई है, जो कि एक्चुअली सारे फ्रूट्स और सारी बेरीज में होती हैं। इसके अंदर कुछ और मान लीजिए हल्की सी बढ़ी हुई एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब रोल हैं ये, कह लीजिए। स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ स्टडीज़ में कुछ टाइप के कैंसर को इसने प्रिवेंट करते हुए या थोड़ा सा कम इंसिडेंस पाया गया है। सो इसलिए कह सकते हैं कि कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर इसे नहीं कह सकते कि इसको लोकल कैंसर होगा ही नहीं। पांचवा जो आगे इसका बेनिफिट है, ब्रेन फंक्शन में इसका, मैंने आपसे ब्रेन फूड माइंड डाइट वाले वीडियो में बताया था कि जितनी भी बेरीज होती हैं दे आर वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, राइट। बेरीज आर वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। सेम वे ये जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ले लो, एक इन्फ्लामेशन कम करने वाली ले लो, सो ये बहुत अच्छा है आपके ब्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इवन नेगेटिविटी, मेमोरी, लर्निंग के लिए ये अच्छी बेरीज मानी जाती है, राइट। अब एक एंटीऑक्सीडेंट रिच अच्छी बेरीज, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसके बाद जो खर्चा होगा, आप जितनी क्वांटिटी में लोगे, जहाँ ये बनती है वहाँ की क्वांटिटी अगर आपको मिलती है आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। इसका कुछ कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसके ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके आपके बालों के लिए भी अच्छा है। कुछ हेयर कंडीशनर्स में भी इसको पकड़ के डाला जाता है, मगर कुछ लोगों को जिनको खासकर पोलन ग्रेन से एलर्जी है, पोलन से, वो लोग भी इससे एलर्जिक हो सकते हैं, उसके जैसी बेरीज से भी एलर्जिक हो सकते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा सोच के खाएं। जब भी आप इसे खाएं मॉडरेट अमाउंट में खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना है कि एक अच्छा फ्रूट समझ के खाएं, इसके एक्सट्रैक्ट, इसकी गोलियां, इसके सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। मेडिकल साइंस ये नहीं मानती कि उससे आपको बेनिफिट होगा। इसको एज अ फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है, पर्पल रेडिश फ्रूट आता है जो मैंने कहा अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा मिलता है, वहाँ आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे खा सकते हैं। एक तरीके से इसको सुपर फूड करके बेचा जाता है, एंटी एजिंग करके बोला जा सकता है। अगर आप ऐसी बातें सुने तो ये बातें गलत हैं। ये एक अच्छा फ्रूट है, इसकी बेनिफिट्स हैं, बट डज नॉट मेक इट अ सुपर फूड, राइट। सो बेनिफिट्स के लिए आप इसे बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जो ओवर हाइप्ड बेनिफिट्स बताने वाले वेबसाइट्स या ओवर हाइप्ड बेनिफिट बताने वाले प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग गिमिक से आप ज़रूर बचें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से अकाई बेरी के बारे में जानकारी आपको मिली है, आपका नॉलेज बढ़ा है, तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें, और नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि आगे और कौन से हर्ब्स हैं और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में आप जानकारी चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच। ये जानकारी 100% रिसर्च रेफरेंस्ड है, इसके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। We'll be right back.